अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में रमज़ान शहरी से लेके इफ्तार तक का होल डे रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड। यहाँ पे हम लोग शहरी के लिए उठ चुके हैं। शहाना, मैं और शहाना के पापा तीनों रोज़ा रखेंगे, और हमारी रोज़ा रख रहे हो तो सोई है, तो उसका भी एक मैं क्लिक ले रही हूं। सोई है, अच्छा इसको था तो ले लो, जा लखेगी शमायरा का नकल उतार रही है। वो किस तरह से सोई है और इतने प्यार से सोई थी कि मैंने एक छोटा सा क्लिप उसका ले लिया, जैसे बड़े लोग सोते हैं वैसे। यहाँ पे हम लोग शहरी कर रहे हैं। शहरी में चिकन कस्सा और पराठा है, बहुत ही यमी लगता है ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बैठ के शहरी कर रहे हैं शहाना और मैं। शहाना के पापा ब्रश कर रहे हैं, आपको दिखा। शहरी करने के बाद मैं थोड़ा से टाइम होता है अजान तक, सुबह का अजान तक, तो मैं थोड़ा से कुरान भी तब तक पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुरान पढ़ रही हूँ, थोड़ा से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हर रमज़ान में एक ही बार कुरान ख़त्म करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार लोगों को देखा है 2-3-4 बार कुरान ख़त्म करते हुए। मेरा भी बहुत मन है कि मैं एक से ज़्यादा बार कुरान ख़त्म करूँ, लेकिन नहीं हो पाता फैमिली घर, और मेरा इतना स्पीड भी नहीं है कुरान पढ़ने में। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी सुबह का नमाज़ अदा कर रहे हैं। सुबह का नमाज़ पढ़ के हम लोग सो जाते हैं, फिर सुबह 9 बजे उठते हैं। ये दूसरे दिन सुबह का क्लिप है, यहाँ पे मैंने चने भिगो के रखे थे, भिनी भिगो के रखे थे, फिश धो के रखे थे, मसाले भी पीस रहे हैं अदरक लहसुन के, यहाँ पे दूध भी चढ़ा है। ये सुबह 12 बजे का क्लिप है, तो मैं यहाँ मसाले भी पीस रही हूँ, फिश फ्राई भी कर रही हूँ। यहाँ पे चना मसाला भी मेरा बनने के लिए तैयार है। मैं इफ्तारी और डिनर का एक साथ ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ा खोल के उठने के बाद बहुत थकान लगता है। आप रोज़े में रहो, सब कुछ काम कर सकते हो, लेकिन रोज़े के बाद खुलने के बाद तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो मैं इसीलिए रोज़ा खुलने से पहले ही डिनर इफ्तारी सब एक साथ बना लेती हूँ। यहाँ पे बिरी भी मेरा पीस चुका है, अंडा बॉईल कर लिया है, अंडे के पकोड़े बनाऊँगी, तो मेरा सारा काम एक साथ लगा रहता है। और यहाँ पे थोड़ा से हमारे यहाँ थोड़ा से बारिश भी हो रहा था, लेकिन ये जो बारिश है ना, जस्ट होके गया तो गर्मी इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छे से बारिश हो जाता तो थोड़ा ठंड हो जाता। और ये हम जोहर का नमाज़ अदा कर रहे हैं, हमेशा हम लोग तीनों ही पढ़ते हैं जोहर का नमाज़, बहुत अच्छा लगता है। शमायरा को तो पढ़ना नहीं आता, बस उसको सिखाने के लिए उसको भी बीच में खड़ा कर देते हैं, वो भी बदमाशी करती रहती है और नमाज़ भी पढ़ती रहती है। हम सजदा करके उठे, अभी वो सजदा कर रही है, बस समायरा अभी हम लोग के साथ दुआ मांग रही है। दुआ मांगना उसको बड़ा अच्छे से आता है, तो वो दुआ मांगती है। और यहाँ पे जोहर का नमाज़ अदा करने के बाद फिर से मैं थोड़ा कुरान लेके बैठ जाती हूँ। मेरे साथ शहाना भी अरबी पढ़ती है, मैं कुरान पढ़ती हूँ, वो उसका अरबी भी पढ़ के वो भी एक अरबी ख़त्म करेगी। शहाना को मेरे साथ नमाज़ अरबी पढ़ना बहुत पसंद है। यहाँ पे देखिए, हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद, तो हमारी बड़ी रोज़दार शमायरा है, तो उसे तो दिन में 2-3 बार सरगई करना होता है, तो मैं उसको खिला रही हूँ। वो 2-3 बार खाना खा के रोज़ा रख लेती है और मज़े भी कर रही है। यहाँ पे शमायरा को खिलाने के बाद और जो बाकी काम था मेरा, वो मैं कर दे रही हूँ। यहाँ पे जो बीरी पीस के रखा था उसमें जीरा डाल के उसको अच्छे से फेंट ले रही हूँ। बेसन भी घोल के रख लिया है, ये सारा जो छानने वाला काम मैं कर रही हूँ। यहाँ पे दही बड़े के लिए बड़े भी फ्राई कर रही हूँ और उसे पानी में भी डाल रख के रख रही हूँ। यहाँ पे दही भी तैयार कर रही हूँ, सॉल्ट और ज़ीरा, सूखी मिर्च का भुना हुआ मसाला भी डाल रही हूँ। तो मेरे पास मेरे चैनल में पहले से दही बड़ा का रेसिपी है, तो मैं इसीलिए इस बार नहीं दे रही हूँ। और यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट रही हूँ दही बड़ा के लिए। समायरा कैसी हो? आज आप रोज़ा रखे हो? रोज़ा रखे हो? यहाँ पे जो बड़ा मैंने पानी में डाल के रखा था वो भी अच्छे से भीग चुका है, तो उसे भी मैं दही डब में डाल के अच्छे से सोक कर लूँगी। दही बड़ा को पहले से बनाना पड़ता है, क्योंकि दही बड़ा अच्छे से दही में सोखने के लिए थोड़ा देर पहले से बना के रखें तो अच्छा होता है। यहाँ पे दही बड़ा में मैं तड़का भी लगा रही हूँ, तो ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है जल्दी जल्दी। जिस दिन ज़्यादा काम रहता है तो मैं दोपहर में सो नहीं पाती, नहीं तो 1 घंटे के लिए मैं एक पावर नैप ले लेती हूँ दोपहर में, तो अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। जिस दिन नहीं सो तो बहुत थकान लगता है। तो यहाँ पे मैं फ़िश करी भी बना रही हूँ, यहाँ पे प्याज और टमाटर का मसाला भी मैं डाल के भून रही हूँ। तो यहाँ पे सारे मसालों को डाल के अच्छे से भून के फ़िश करी भी मैं बना लूँगी। यहाँ पर मेरी बेटी नींबू का शरबत बना रही है, उसको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे शहाना कुछ बना रही है रोज़े के लिए, क्या बना रहे हो शहाना? लेमन पानी बना रहे।
अच्छा, किसके रोजे के लिए? क्या सब डाले हो पानी इसमें? हम वाटर डाले हैं, शुगर, लेमन और फिर लास्ट में नमक। अच्छा, नमक डाल के क्या करोगे फिर? इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, वेरी गुड, बनाओ। मम्मा का हेल्प कर रहे हो, गुड गर्ल। कब तक ऐसा मिक्स करना होता है? किसमें? वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। हाँ, कर लो। आपको लेमन पानी पसंद? और आपने रोजा रखा है आज? कैसा लग रहा है? यहाँ पे मैं अंडे के पकोड़े बनाने के लिए आ चुकी हूँ। आज ऐसे ही सादे वाले अंडे के पकोड़े बनाऊंगी, आलू का स्टफिंग देके नहीं बनाऊंगी। जस्ट गोल गोल काट के बेसन में डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ। ये थोड़ा इजी भी होता है और जल्दी भी बन जाता है। मैं एक आलू वाला स्टफिंग वाला पकोड़ा भी बनाती हूँ अंडे का, उसका रेसिपी भी मेरे चैनल में पहले से है। तो यहाँ पे हमारा सारा रेसिपी बन चुका है। क्या क्या बना है मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे दही बड़ा बना है और ये अंडे के पकोड़े बने हैं। कस्टर्ड मैं बना के पहले से रख दी थी। और ये चना बना है, ये खजूर है और ये सारे फ्रूट्स हैं। फ्रूट सारे कट करने के ज़िम्मा मेरे हस्बैंड का है, तो वो कट करेंगे। ये पूरी तरीके से हमारा आज का इफ्तारी है। और आज मैं हमारे पड़ोस में जो हैं पड़ोसी, उन लोग को भी हम दो घर को देने वाले हैं, तो उन्हें भी मैं सर्व कर रही हूँ अभी। तो उनके लिए भी मैं निकाल रही हूँ, लेके उन्हें भी सर्व करूँगी। यहाँ पे मैं दही बड़ा निकाल रही हूँ। ऐसे ही सारे चीज़ों को मैं सर्व करूँगी। और ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है, हम लोग एक दूसरे को इफ्तारी देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक दूसरे के हाथ का खाना हम लोग को नसीब होता है टेस्ट करने का। तो उन लोग भी हमारे घर में भेजते हैं, हम भी भेजते हैं। बस कोविड के लिए थोड़ा डर लग रहा था भेजने लेने, तो लेकिन फिर भी चलता है। तो मैं भी यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। और आज ही माशाल्लाह उन लोग के घर से भी आ गया था, एक जो थे हमारे एक पड़ोसी के घर से भी आया था इफ्तारी, वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। उन्होंने भी भेज दिया था, ये प्लेट उनका है, उन्होंने भी हमें भेज दिया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड फ्रूट भी कट कर रहे हैं। तो इफ्तारी सही से निकालते हुए मैंने यहाँ पे चिकन कीमा भी बनाने रख दिया था। ये सरगई के लिए है, सरगई में थोड़ा नॉनवेज अच्छा लगता है, तो मैं साथ में वो भी बना लेती हूँ। इफ्तारी के बाद में और कुछ खाना बनाने नहीं जाती। कैसा रखे हो रोज़ा? ये क्या कर रहे हो? आपका जूस उसमें है, ग्लास में है, दो दोगे? यम्मी। और यहाँ पे इफ्तारी से पहले सब दुआ मांग रहे हैं। शाहना के पापा, शमायरा, शाहना। शमायरा को देखिए किस तरह से दुआ मांगती है, उसको दुआ मांगना बहुत पसंद है, दुआ हमेशा मांगती रहती है। तो हम भी यहाँ इफ्तारी के लिए बैठे हैं, आप भी हम लोग के साथ शामिल हो जाइए हमारे यम्मी इफ्तारी से। आज में पूरा करते करते समयरा क्या कर रहे हो? दुआ मांग रहे हो? रोजा रखे हो? आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।